हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ कटहल की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले कटहल को काट के और अच्छे से वॉश करके और आलू के साथ इसे 3-4 सीटी लगा लेंगे। उसके बाद फिर हम कटहल को निकाल लेंगे। ठंडा होने के बाद इसे आलू और कटहल को मैश कर देंगे एक साथ। उसके बाद फिर इसमें हम कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे। उसके बाद इसमें हम 4 टेबल स्पून बेसन ऐड करेंगे। उसके बाद फिर इसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालेंगे और उसके बाद सब मिक्स कर देंगे। उसके बाद फिर इसी तरह से कोफ्ते बना लेंगे गोले। देखिए मैंने सारे कोफ्ते बना लिए हैं। अब तेल डालकर कढ़ाई में गर्म होने देंगे। उसके बाद फिर इसमें हम कोफ्ते डाल देंगे सारे और लो टू मीडियम फ्लेम पे ही इसको बनाएंगे। देखिए हमारे एक बार के कोफ्ते बनके तैयार हैं। इसी तरह से और भी बना लेंगे। उसके बाद फिर हम एक्स्ट्रा ऑयल निकाल देंगे। उसके बाद इसमें जो बचे हुए तेल है उसमें जीरा डालेंगे, दालचीनी और बड़ी इलायची डाल देंगे। उसके बाद इसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और गैस की फ्लेम धीमी कर देंगे। अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट भी ऐड करेंगे साथ में और मसालों को अच्छे से भून लेंगे। प्याज हमारा अच्छे से भून जाएगा 5-6 मिनट। उसके बाद फिर इसमें हम टमाटर का भी पेस्ट बनाकर डाल देंगे। उसके बाद इसमें फिर लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर डाल देंगे। इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे और भुना हुआ जीरा पाउडर डाल देंगे। मसालों को लगातार 4-5 मिनट के लिए धीमी आंच पे भूनेंगे अच्छे से। उसके बाद फिर इसमें हम पानी ऐड करेंगे। आप पानी अपने आवश्यकता अनुसार ऐड करेंगे। आपको पतली ग्रेवी चाहिए तो पतला, नहीं तो फिर कम ही ऐड करेंगे। देखिए हम बहुत अच्छी ग्रेवी बनके तैयार हुई है। तो अब हम इसमें सारे कोफ्ते ऐड कर देंगे। उसके बाद से इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। नमक ज़्यादा नहीं ऐड करना है क्योंकि हम कोफ्ते में भी नमक डाले हैं। उसके बाद इसे ढककर पकने देंगे 4-5 मिनट के लिए। देखिए हमारे कोफ्ते बनके तैयार हो गए हैं और बहुत ही टेस्टी कोफ्ते बनके तैयार हुए हैं। तो आप लोग भी इस तरह से कटहल के कोफ्ते बना सकते हैं। और मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। सो बाय बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय बाय, टेक केयर।